नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। संसद में ऐसी तस्वीर आज से पहले नहीं दिखी होगी। संसद में विपक्ष का आक्रामक अंदाज पिछले 10 साल में नहीं दिखा होगा। और संसद में धर्म और आस्था के नाम पर महाभारत इससे पहले नहीं हुई, क्योंकि हाथों में भगवान शिव की तस्वीर लिए राहुल गांधी ने उस मुद्दे को छेड़ दिया है जिस पर सदन में संग्राम छिड़ चुका है। सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट वाले सर, शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूं। राहुल गांधी सदन में सत्य, अहिंसा और साहस की बात कर रहे थे। भगवान शिव के त्रिशूल को अहिंसा का प्रतीक बता रहे थे। तभी उन्होंने हिंदू और सनातन को लेकर जो बात कही उस पर वो खुद घिर गए। राहुल गांधी ने कहा, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य करते रहते हैं, ये हिंदू है ही नहीं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। जस्ट गेट मी दैट पिक्चर ऑफ शिवा इनसाइड बिकॉज़ ऑफ हिज। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अभय मुद्रा राहुल गांधी के असली हिंदू और हिंसक हिंदू वाले बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। पीएम मोदी और अमित शाह जैसे महारथी भी इस संग्राम में उतर चुके हैं और हिंदू का अर्थ बता रहे हैं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। पीएम मोदी ने इस दौरान बीच में ही उठकर राहुल गांधी को रोका और कहा कि ये बात बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना गंभीर विषय है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नियमों के तहत इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। शोर शराबा कर इतने बड़े वाक्य को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने
मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को सदन में माफी मांगनी चाहिए, यानी अब राहुल गांधी से हिंदू के अपमान पर माफी की मांग शुरू हो चुकी है और मुद्दा पूरी तरह धर्म पर कन्वर्ट हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। पहले सदन में पीएम मोदी ने राहुल के बयान को देश भर के हिंदुओं का अपमान बताया, वहीं अब इस मामले में सीएम योगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में कांग्रेस डूबी हुई है। राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे हैं। सीएम योगी ने कहा राहुल गांधी को करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत माता की आत्मा को लहूलुहान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है, हिंदू सहिष्णुता उदारता का पर्याय है। आपको सीएम योगी का बयान सुनाते हैं। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे, भारत की मूल आत्मा को लौहलुहान करने जैसा है। भारत माता के लौहलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियां जानती हैं कि अगर डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव हुआ तो उनकी हार तय है। इसके बावजूद वो अवधेश प्रसाद को बतौर उम्मीदवार पेश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को पश्चिम में डाल सके। साथ ही विपक्ष की रणनीति अयोध्या के बहाने अपनी राजनीति चमकाने की भी है, क्योंकि जिस फैजाबाद के सांसद को डिप्टी स्पीकर के लिए आगे किया जा रहा है वो अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या के बाद हिंदू और हिंदुत्व पर जिस तरह सियासी बयानबाजी हो रही है, जिस तरह विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है, उससे तो साफ है कि इंडिया गठबंधन अब बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि जिस चेहरे की चर्चा चुनावी परिणाम के बाद हुई, उसी चेहरे को अब डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पद पर विपक्ष की पहली पसंद अवधेश प्रसाद है। ममता बनर्जी की तरफ से अवधेश के नाम का प्रस्ताव दिया गया और आम आदमी पार्टी ने भी अवधेश प्रसाद का समर्थन किया। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियां जानती हैं कि अगर चुनाव हुआ तो उनकी हार तय है। इसके बावजूद वे अवधेश प्रसाद को बतौर उम्मीदवार पेश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को पासोपेश में डाल सके। वे चाहते हैं कि बीजेपी को सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर पद के लिए दबाव बनाया जा सके। हालांकि गलत नहीं है कि बीजेपी सर्वसम्मति से ये कुर्सी विपक्ष को देगी। इधर सपा भी कांग्रेस को अयोध्या के बहाने पछाड़ने की तैयारी में है। सर, सदन में डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या आपकी पार्टी कोई करेगी? देखिए, जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं। डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष की तरफ से आपके नाम भी आगे आ रहा है कि आपको डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आने दीजिए, वेट फॉर फ्यू टाइम।
आने दीजिए, सब तब बात करेंगे। सर क्या आपको लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? हम तो हमेशा जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अयोध्या का मुद्दा उठाया था, कुछ उसी तरह चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन अयोध्या के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश में है, क्योंकि अवधेश प्रसाद अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर करीब 50,000 वोट से जीत दर्ज किए हैं और विपक्ष उनके जरिए नया प्लान तैयार कर रहा है। देश की जनता ने और धर्म की राजनीति को नकार दिया है और इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण हमारे जहां से हम जीत के आए हैं अयोध्या से, तो वहां की जनता ने पूरी तरह से इस बात को नकार दिया है कि अब देश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। यानी ये तो तय है कि बीजेपी सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर की कुर्सी विपक्ष को नहीं देगी, लेकिन जिस तरह अवधेश प्रसाद के नाम अयोध्या पर माहौल बनाया जा रहा है वो विपक्ष की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक तरफ संसद में राहुल गांधी की तरफ से दिए हिंदू वाले बयान पर संग्राम छिड़ा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में स्पीकर बंद करने के साथ कई मुद्दों को एक साथ उठा दिया, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे पेपर लीक से अग्निवीर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। वाजपेयी के जैसे नेता अगर होते तो ये नौबत नहीं आती थी, मंगलसूत्र, भैंस लेना, जमीन लेना और लोग मुजरा, ऐसे शब्द नहीं आते थे। मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए, वो हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ये सत्र हंगामेदार है, जोरदार है, असरदार है। ये भाषा प्रधानमंत्री की भाषा है, मैं बोल विपक्ष का आक्रामक अंदाज है, माइक से लेकर पेपर लीक पर छिड़ा घमासान है। इस सत्र में सियासी संग्राम है। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप बरसों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। सदन में अभिभाषण पर चर्चा का दिन था, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और बात अहंकार और घमंड पर आ गई। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब सर जी, इन संस्थाओं के केवल विपक्षी नेता और सच लिखने बोलने वालों को एक टारगेट करा। लीडर ऑफ द हाउस, संविधान का अपमान नहीं और क्या है? खड़गे जी, लीडर ऑफ द हाउस, जनता द्वारा प्लीज प्लीज चुनी गई सरकारें गिराने जी और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया, ये संविधान का अपमान है। राज्यसभा में माइक बंद करने के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस के नेताओं के माइक बंद करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोप पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ गुस्सा हो गए और कहा कि ऐसे आरोप सहने लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ माइक बंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आपको टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है,
माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते, आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। ये भाषा प्रधानमंत्री की भाषा है, मैं बोल नहीं करते। दिस विल नॉट गो खड़गे जी संसद के चालू सत्र का आज छठा दिन है, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश में सदन से वॉकआउट कर दिया। उससे पहले सदन में हर मुद्दे उठे, चाहे पेपर लीक हो या संविधान, चाहे मणिपुर हो या अग्निवीर, विपक्ष ने हर मुद्दों को तूल दिया और पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आजादी के 75वें साल में देश से अंग्रेजों के एक और निशाने का खात्मा हो गया है। 1 जुलाई 2024 यानी कि आज से देश में नया कानून लागू हो गया है। वो कानून जिसने दंड की बुनियाद को खत्म करके न्याय को अपनी बुनियाद बनाया है। भारतीय न्याय संहिता क्या है, इससे आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है और क्या कुछ पहली बार हुआ है, आइए पहले इसे समझते हैं। तो आपको ये समझाएं कि भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई है और पीड़ित को कहीं भी FIR दर्ज कराने का अधिकार होगा। हत्या, लूट और दुष्कर्म में भी ऑनलाइन FIR दर्ज करवाई जा सकती है और केस दर्ज होने से लेकर फैसले की समय सीमा भी तय होगी। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून बन चुका है। मॉब लिंचिंग पर उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान है। पुलिस के पास भगोड़े अपराधियों के संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार होगा। तो वहीं नया कानून आते ही विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और किसी ने इसे बड़ा कानूनी संकट बताया तो किसी ने जल्दबाजी में लाया गया कानून बताया, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हर आरोप का जवाब दिया है। सुनिए, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या और संकट भारत की जो न्यायपालिका है और भारत की जो फौजदारी के कानून की प्रणाली है उसके लिए खड़े होने वाली है। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पहले से पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। और इस बीच राहुल गांधी के बयान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी अयोध्या को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अयोध्या में 1,733 करोड़ मुआवजा बांटा गया। और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है। श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1,733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं, चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पजेशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थीं, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे
उनके लिए उस प्रकार की FIR में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है।